प्रदेश सरकार पिछले दिनों वन विभाग के माध्यम से सारस पक्षी की गणना कराने के समय में कार्यरत वन कर्मियों द्वारा ताल तलैया की खाक छाड़ी गई, लेकिन सारस पक्षी के दर्शन नहीं मिले। इसके बाद वन विभाग द्वारा जनपद को सारस पक्षी विहीन होने की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। तभी बुधवार को अचानक जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र में मेहमान परिंदे सारस को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह सवेरे खेत में कुत्तों से घिरे सारस को बचाने के लिए कपसा गांव के निखिल दुबे को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आफत में फंसी जान को बचाने वाले निखिल को देखते ही देखते विशालकाय सारस पक्षी ने देवदूत मान अपना दोस्त बना लिया। इतना ही नहीं, यह मेहमान पक्षी घर की ओर रुख किए निखिल को देख उसके पीछे पीछे चलने भी लगा। यह खबर जैसे ही गांव वालों को पता चला, निखिल के दरवाजे पर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस क्षेत्र में विशालकाय पक्षी को के पहुंचने की खबर फैली। तमाम क्षेत्रवासी इस अजूबे दृश्य को देखने के लिए कपसा गांव पहुंच गए। मेहमान परिंदा अपनी जान बचाने वाले निखिल के साथ चहलकदमी कर रहा है और उसके साथ सेल्फी खींचने वाले युवाओं की भीड़ लगी हुई है। हालांकि ये खबर वायरल है और इसके बाद जो रिपोर्ट आई उसे देखें आप। सारस पक्षी आ गया था तो हमारे गाँव के कपसा के जो है कि सुनील दुबे और टिल्लू जी के साथ पक्षी सुबह से ही उनका साथ नहीं छोड़ रहा था। मालूम पड़ा था एक उनसे उस पक्षी का प्रेम हो गया। जहाँ जाते थे वो तहाँ वो पक्षी जाता था, कहीं भी खेत जाते थे साथ साथ जा रहा था। तो इसमें अभी 100 नंबर पुलिस और वन विभाग के लोग आए हैं, सारस पक्षी को उठा के ले गए हैं और बहुत अभी गणना भी हो रही थी पक्षी की हमारे हर जगह पे। तो अभी वन विभाग के लोग ले गए हैं तो हम लोग उनको सौंप दिए हैं कि ये सुरक्षित जगह पे रहे सारस और अच्छी जगह पर।